वेलकम अगेन टू कॉमर्स नेशन गाइस, माई सेल्फ आबिद। आज का ये जो वीडियो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कोई सा भी सेंट्रल, चाहे वो गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस का एग्जाम हो, अगर उसमें जनरल नॉलेज पूछ रहा है या फिर करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो उसमें आपका जो 5 से 6 क्वेश्चन होता है ना, वो आपका अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से होता है। यानी कि किसे क्या चुना गया, यानी किसने किसे कौन सी उपाधि दी गई, अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति और इस्तीफा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर से। और इससे हर साल इस टॉपिक से, केवल अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से, करीब 7 से 8 क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की स्टूडियो में अपन देखने वाले हैं दिसंबर के महीने में किसे क्या चुना गया। और ऐसे ही अभी जनवरी चल रहा है, हालांकि ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, माफी चाहता हूँ, 20 दिन लेट हो गया मैं। लेकिन जैसे ही फरवरी आएगा, तो फरवरी के फर्स्ट वीक के लास्ट तक या फिर सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में मैं कोशिश करूंगा कि जनवरी महीने का सारा करंट अफेयर्स एक साथ दे दूं मैं, राइट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जनरल नॉलेज में करीब सॉरी करंट अफेयर्स में 6 महीने का मांगेगा, तो अपन 6 महीने का आपको पूरा का पूरा दे देंगे, राइट, परेशान ना हो। और हालांकि पीडीएफ आपको ऑलरेडी आपके ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है, वहां से भी आप जाकर के इनको पढ़ सकते हो सारी चीजें। ये केवल फ्री, आपको फ्री ऑफ कोर्स केवल आपको ये अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन आपको मिल रहा है। बाकी चीज का देखने के लिए आप प्रीमियम बैच में भी जुड़ सकते हो, और बहुत मिनिमम चार्ज में 2500 में आप पूरे की ऑनलाइन माध्यम से पूरी तैयारी कर सकते हो। आओ देखते हैं। देखो यहां पर जो सबसे पहला कुल 48 पॉइंट्स है, 48 पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। क्या भैया, जो प्रशांत कुमार इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रशांत कुमार भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष चुने गए, 1 पॉइंट, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रीति सुदन टेक्स ओथ ऑफ द ऑफिस इन द सेक्रेसी एज यूपीएससी मेंबर, प्रीति सुदन ने यूपीएससी सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली, चलो ये दूसरा। उत्तराखंड गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट प्रसून जोशी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, संजय मल्होत्रा को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया, संजय मल्होत्रा अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है। न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है भैया, तो संजय मल्होत्रा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, संजय कुमार को स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, संजय कुमार अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, कौन, संजय कुमार को स्कूल शिक्षा विभाग का, ठीक है। चलो, स्मार्ट वॉच लीडर्स नॉइज अपॉइंटेड विराट कोहली एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर, पिछली बार भी ये अनुष्का शर्मा के बारे में पूछा था, राइट। चलो आगे देखते हैं, स्मार्ट वॉच लीडर नॉइज ने विराट कोहली को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, विजेंद्र शर्मा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई, यानी कि विजेंद्र शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। चलो भैया, हंसराज गंगाराम अपॉइंटेड एज अ न्यू एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस चेयरपर्सन, यानी कि क्या भैया, 8वां पॉइंट है, हंसराज गंगाराम को नए एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में। ये भी हमेशा पूछता है, तुम किसी को भी जाकर के देख लेना, तुमको मिलेगा। और अगर आपको प्रीमियम, अगर इसको और इसके अलावा जैसे कि स्पोर्ट में क्या क्या हुआ, हालांकि स्टैटिक जीके का तो मिलेगा, वो बात अलग है, करंट अफेयर्स भी मिल रहा है, तो उसको भी जाकर देख लेना। पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया है, आप जाकर के फ्री में भी कुछ पीडीएफ वहां पर मिल सकते हैं, वहां पर भी मिलेंगे, जाकर के देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आगे आते हैं, राजीव लक्ष्मण, ठीक है, क्रांतिकर अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिकल कमीशन, ठीक है। क्या भैया, राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे आते हैं, वी सुरेश कुमार अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भारतीय नभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। यानी कि वी सुरेश कुमार को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि भाविनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, ठीक है, समझ में आ गया भैया। चलो आगे आते हैं, जस्टिस ताशी रफ्तान अपॉइंटेड एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट, ठीक है। न्यायमूर्ति ताशी रफ्तान को जम्मू कश्मीर एससी के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, चलो मुख्य न्यायाधीश। आगे आते हैं भैया, अरुण कुमार सिंह अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ ओएनजीसी फॉर 3 इयर्स,
अब ये पूछ सकता है, देखो क्या है, अरुण कुमार सिंह को 3 साल के लिए ONGC का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दीना, क्या भैया, दीना बोलुआटे, ठीक है, इलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, ठीक है, दीना बोलुआटे पेरू को पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, बोलुआटे पेरू की, पेरू एक जगह है, ठीक है, वहां की। अब आ गया तो भैया एन चंद्रशेखरन अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ बी20 इंडिया, एन चंद्रशेखरन को बी20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। केवी साजी को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पॉटरी बॉर्न में दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ठीक है। आगे आते हैं, देखो पॉटरी बॉर्न अपॉइंटेड एज दीपिका पादुकोण एज अ ब्रांड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सुष्मिता शुक्ला बिकम द फर्स्ट वीपी एंड सीओओ ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। सुष्मिता शुक्ला न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली वीपी और सीईओ बनी, पहली भाई, ठीक है। अब आके आते हैं, मिनेश सिंह शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। सेनू अग्रवाल को अशोक लेलैंड का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, ठीक है। सेनू अग्रवाल अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ अशोक लेलैंड, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुखू सोन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलो, सुखविंदर सिंह सुखू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली, ठीक है भैया। ये देखो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा तुरंत बता के खत्म किया जाए, ठीक है। इधर देख लो भैया, आगे आते हैं, मेघना अहलावत इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया। पीटी उषा इलेक्टेड एज अ फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। भूपेंद्र पटेल शोन इन द गुजरात ऑफ सीएम सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी दूसरी बार लगातार। जस्टिस दीपांकर दत्ता टेक्स ओथ एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो भैया क्या है, कहाँ गया भाई, कौन सा है, 24 वाला था ना, हाँ। पीसी रथ को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ द इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। पीसी रथ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरेमी फरार को WHO का नया मुख्य वैज्ञानिक रूप नियुक्त किया गया। राजीव कुमार बिश्नोई को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का CMD नियुक्त किया गया, ठीक है। इधर देखते भैया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड, ठीक है, क्लोडाइन गे एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। क्या भैया, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्लोडाइन गे को पहली अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। लियो वराडकर को आयरलैंड का प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया, ठीक है। लियो वराडकर री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, ठीक है। मेजर जनरल मोहित स्टेट टेक्स ओवर द ग्रीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ किलो फोर्स, यानी कि क्या भैया, 30वां का था। मेजर जनरल मोहित स्टेट को किलो फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला। सीडी हुक को ओलंपिक आयोजन समिति का सीईओ नियुक्त किया गया। दिनेश कुमार को शुक्ला का परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। एलोन मस्क ट्विटर के सीईओ पद से हटेंगे। पीटी उषा को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया। हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIC का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। सुहेल एजाज खान को सुहेल एजाज खान, इसका MCQ भी कराया था। सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, 36वां का भैया। सुहेल एजाज खान अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया। देखो हिंदी में इंग्लिश में पढ़ सकते हो, सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूमा इंडिया अपॉइंटेड एज अनुष्का शर्मा इट्स ब्रांड एम्बेसडर। पूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सितमनी रेबुका इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। ये भी तुमको मैंने, देखो ये सब मैंने जो MCQ कराया था उसमें आ रहा है, राइट। कहां सितमनी रेबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। शमशेरा सिंह के SBI फंड्स का MD और CEO नियुक्त किया गया। पुष्पा कमल दहल को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। PN वासुदेवन का इक्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक को MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, ठीक है। चलो आते हैं भैया, अब ज्यादा है नहीं। अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हसमुख अधिया को गुजरात के मुख्यमंत्री के
मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भास्कर बाबू को सूर्योदय लघु वित्त को बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। LG अरविंद वालिया को सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया। प्रवीण को श्रीवास्तव कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। अब देखो इसमें से मैं बहुत सारी चीज़ पढ़ा है, ज़्यादा हिंदी में मैंने बोला है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा हर वीडियो में ही ज़्यादा बोलता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हिंदी में बोल दिया मैंने। अगले वाली वीडियो में अपन इंग्लिश में बोल देंगे, इंग्लिश वाला पढ़ देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ध्यान से सुन लो मैं, ठीक है। देखो 45वां इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, हसमुख गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। फंड ये हो सकता है, मतलब इंग्लिश में भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि इधर मैंने ज़्यादा पढ़ा है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। हेमंत गुप्ता, हाँ ये भी 35वां भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसमें से इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन याद तो तुमको सभी करना है, बस मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये 22वां 23वां भी हो सकता है, 24वां भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 14वां इम्पोर्टेंट हो सकता है और 15वां भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। IPC ये देखो जितना एक मतलब जिसपे मार्क किया हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, जिसपे मार्क किया हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से, बाकी है तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन बस इतना ही। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना, और जो भी दिक्कत जो भी परेशानी आती है पूछ लेना। और हाँ एक बात और, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना और प्रीमियम बैच में भी आप जुड़ सकते हो।